नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में। जब भी बात अमीर व्यक्तियों की होती है तो नाम एलन मस्क और मुकेश अंबानी जैसे अमीरों का लिया जाता है, जिनके बारे में आपको फोर्ब्स की तरफ से जारी किए गए सूची में आसानी से देखने को मिल जाएगा। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे बिहारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी मेहनत से फोर्ब्स की सूची में अपना नाम शामिल किया है, बल्कि बिहार के सबसे अमीर आदमी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। आज हम बात करेंगे अनिल अग्रवाल की। राजधानी पटना में जन्मे अनिल अग्रवाल ने शायद कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उन्हें इतनी बड़ी मुकाम हासिल होगी, जिसके तहत वो बिहार के अमीरों को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। हालांकि अनिल के जानने वाले लोगों की माने तो अनिल को बचपन से ही उद्योगपति बनने का सपना था। आपको बता दें, अनिल अग्रवाल वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड कंपनी के मालिक है। इस कंपनी की शुरुआत उन्होंने साल 2003 में की थी। ज्ञात हो, वेदांत रिसोर्सेज, जिसका मुख्यालय लंदन में है, विश्व स्तर पर विविध प्राकृतिक साधनों का एक समूह है, जिसमें जस्ता, सीसा, चांदी, तांबा, लौह अयस्क, एल्युमिनियम, बिजली उत्पादन और तेल और गैस में रुचि है। वर्तमान समय में इनकी कंपनी लंदन में काम करती है। वहीं अनिल अग्रवाल भी परिवार के साथ लंदन में ही रहते हैं। हालांकि इनका बिहार से नाता बहुत गहरा है। आलम यह है कि अनिल जब भी भारत आते हैं तो बिहार घूमने जरूर आते हैं। अनिल अग्रवाल के अमीर होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2017 में अनिल फोर्ब्स की सूची में 63वें स्थान पर आए थे और इनकी उस वक्त कुल संपत्ति $2.4 बिलियन यानी कि 240 करोड़ रुपए थी। वही साल 2018 में इनकी संपत्ति $3.3 बिलियन यानी कि 330 करोड़ रुपए थी। द संडे टाइम्स रिच लिस्ट के अनुसार 2020 में उनकी कुल संपत्ति $8.5 बिलियन यानी कि 850 करोड़ आंकी गई है। फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार अनिल अग्रवाल को बिलियनियर की सूची में 831 स्थान मिला था। वहीं इंडियन रिचेस्ट 2020 की सूची में अनिल को 41वां स्थान मिला था। वही साल 2021 में उनकी कुल कमाई 420 करोड़ रुपए बताई गई है। बात करते हैं अनिल अग्रवाल के प्रारंभिक जीवन की। अनिल अग्रवाल का जन्म पटना बिहार में हुआ और इन्होंने अपना बचपन भी इसी शहर में गुजारा। ये पटना की हर गलियों को जानते हैं और बचपन से ही इनके एक उद्योगपति बनने का ख्वाब था। अनिल अग्रवाल ने अपनी पढ़ाई मिलर हाई स्कूल पटना से की। इनके पिता एक कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे। अनिल जब 19 साल के हुए तो इन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए पटना छोड़ दिया और मुंबई के लिए रवाना हो गए। मुंबई में इन्होंने बैंक से लोन लेकर एक कॉपर तार का बिजनेस शुरू किया। यह बिजनेस काफी तेजी से चला और फिर इसी तरह यह एक बड़े व्यवसायी बने। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब वेदांत को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के समिति ने 2004 में भारतीय राज्य तमिलनाडु में अपने कारखाने के पास हजारों टन आर्सेनिक युक्त स्लैग डंप करने, वातावरण और स्थानीय लोगों को जहर देने का दोषी ठहराया था। आपको बता दें, अनिल ने 1970 में स्क्रैप धातु का व्यापार करना शुरू किया था, जिसके तहत उन्होंने इसे अन्य राज्यों के केबल कंपनियों से एकत्र किया और इसे मुंबई में बेचा। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों तक पहुंचने के लिए अनिल अग्रवाल और उनकी टीम ने 2003 में लंदन के वेदांता रिसोर्सेज PLC को शामिल किया। 2004 में वेदांता रिसोर्स PLC ने एक वैश्विक बॉन्ड की पेशकश की घोषणा की और जाम्बिया, अफ्रीका में कोंकोला कॉपर माइंस का अधिग्रहण किया। 2007 में वेदांत रिसोर्सेज ने भारत में लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक निर्यातक सेसा गोवा लिमिटेड में एक नियंत्रित हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया और 2010 में कंपनी ने नामीबिया, आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीकी खनिक एंग्लो अमेरिकन के जस्ता संपत्ति के पोर्टफोलियो का अधिग्रहण किया। अगले साल वेदांता रिसोर्सेज ने भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की तेल उत्पादक फर्म केरन इंडिया में नियंत्रित हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। सेसा गोवा और स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के विलय की घोषणा 2012 में वेदांत समूह के एकीकरण के हिस्से के रूप में की गई थी। इसके साथ ही अनिल अग्रवाल को साल 2012 में द इकोनॉमिक टाइम्स बिजनेस लीडर अवार्ड, साल 2009 में माइनिंग जनरल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, द अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2008, द इंडियन अवार्ड्स एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016, द वन ग्लोबल फोरम अवार्ड 2018 और डॉक्टर थॉमस कंगन लीडरशिप अवार्ड 2013 से सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।